जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गुजरात बारडोली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल इटालिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे बारडोली विधानसभा में रैली निकाली। इस रैली में कम से कम 1500 से लेकर 2000 लोगों से ज़्यादा लोग थे। इस रैली में कड़ोदरा जोलवा ताते थैया से भी काफ़ी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया के साथ जुड़े। साथ ही गोपाल इटालिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को फूलमाला अर्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। जगत न्यूज 24 गुजरात कड़ोदरा से अजय जायसवाल की खास रिपोर्ट। क्रांतिकारी युवान एवं माननीय श्री गोपाल भाई इटालिया अपनी वच्चे पधारी चुके हैं। श्री गोपाल भाई इटालिया अपनी वच्चे पधारी चुके हैं। आदमी पार्टी द्वारा आज रोज बारडोली शहर में भाई श्री राजूभाई सोलंकी ना समर्थन में एक मजबूत परिवर्तन संकल्प यात्रा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। खूब मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं उत्साह थी आ यात्रा में जोड़ाया। लोकोए पण खूब सारू जनसमर्थन आप्युं। गुजरात में जे रीते वर्षोथी लोको एक मजबूत विकल्प की राह जोई रहा था, ये मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी ना स्वरूप में गुजरात में उभरी आयो छे। त्यारे गुजरात ना लोकोनो विश्वास ने खूब मोटी आशा आम आदमी पार्टी साथे छे। पाछला सर्वे में घना बधा सर्वे नेशनल मीडिया द्वारा सरकार की एजेंसीओ द्वारा जे कई सर्वे करवामां आव्या ए सर्वे में एवो खुलासो थयो छे कि आ वक्ते आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रही छे। हूँ तमाम क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने गुजरात की जनता ने अपील करूँ छू कि आ वक्त मोटी संख्या में आम आदमी पार्टी ने मत आपी झाड़ू बटन दबावी और गुजरात की अंदर एक ईमानदार सरकार बनाओ। थैंक यू। पटेल आम आदमी पार्टी सूरत जिला प्रमुख। आज रोज बारडोली के अंदर आम आदमी के उम्मीदवार श्री राजेंद्र प्रसाद सोलंकी के समर्थन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया था। उस रैली के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गोपाल भाई इटालिया जी शामिल हुए थे और आज रैली के अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिसाद हमको मिला हुआ है, बहुत जबरदस्त समर्थन मिला हुआ है। आज बारडोली के अंदर लोगों में इतना उत्साह था, इतनी लागनी थी कि बारडोली की जनता परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि आप अब की बार हम झाड़ू की सरकार बनाएं, केजरीवाल जी की सरकार बनाएं और गुजरात के अंदर जो सुविधा है उसके अंदर अच्छा शिक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात और अच्छा आरोग्य उनकी आशा लेकर बैठे हैं। तो अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और गुजरात की जनता के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेगी। अंदाजित रैली में कितने आदमी जुड़े होंगे? ये रैली के अंदर कम से कम 2 से 2500 आदमी होंगे।